हेलो फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल गोलपारा आसाम से नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। नोटिफिकेशन की डिटेल में आते हैं जिसमें मेंशन किया गया है वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करवाई जा रही है। ये वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की है। पोस्ट की डिटेल्स को चेक कर लेते हैं जिसमें फर्स्ट पोस्ट है TGT इंग्लिश के लिए। टाइप्स ऑफ वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 और ये पोस्ट जो है वो SC कैटेगरी के लिए है। सेकेंड पोस्ट है लैब असिस्टेंट की, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है, 1 पोस्ट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 1 फॉर OBC। थर्ड पोस्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, टाइप ऑफ वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 और ये पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। फोर्थ पोस्ट है बैंड मास्टर, टाइप्स ऑफ वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1, रिजर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और ये पोस्ट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। फिफ्थ पोस्ट है बॉक्सिंग कोच के लिए, टाइप्स ऑफ वैकेंसी हायर्ड बेसिस, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 और रिजर्वेशन और ये पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। सिक्स्थ पोस्ट है मेश मैनेजर, टाइप्स ऑफ वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और ये पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। सेवन्थ पोस्ट है हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के लिए, टाइप्स ऑफ वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 और ये पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एट्थ पोस्ट है UDC, टाइप्स ऑफ वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और ये पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। नाइन्थ पोस्ट है LDC के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क, टाइप्स ऑफ वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 और ये पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मेंशन किया गया है जहाँ से नोटिफिकेशन की डिटेल्स लाइक क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्मेट, सैलरी चेक कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू फॉर सीरियल नंबर 1 TGT के लिए वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल की गई है 9 जून 2023। वॉक इन इंटरव्यू फॉर सीरियल नंबर 2 to 5 लैब असिस्टेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, बैंड मास्टर एंड बॉक्सिंग कोच के लिए वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल की गई है 10 जून 2023। लास्ट वन है वॉक इन इंटरव्यू फॉर सीरियल नंबर 6 to 9 मेस मैनेजर, हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, UDC एंड LDC के लिए वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल की गई है 12 जून 2023। नेक्स्ट में ये डिटेल नोटिफिकेशन है जिसमें पोस्ट, वैकेंसी, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, पे एंड एज लिमिट मेंशन की गई है। एज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 31 मई 2023। नेक्स्ट है वॉक इन इंटरव्यू ऑन 9 जून 2023। 9 जून को TGT के लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करवाई जा रही है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है फॉर SC कैटेगरी। यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, इसको चेक कर लें। नेक्स्ट है एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर है और मैक्सिमम 35 ईयर्स है। नेक्स्ट है पे 30,000 पर मंथ है TGT के लिए। नेक्स्ट है अकोमोडेशन मेस, स्कूल विल प्रोवाइड अकोमोडेशन एंड फूड इन द कैडेट्स मेस एज एप्लीकेबल। नेक्स्ट पोस्ट है लैब असिस्टेंट के लिए जिसकी वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करवाई जा रही है 10 जून 2023, लैब असिस्टेंट एंड आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है लैब असिस्टेंट के लिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, आउट ऑफ 2, 1 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 1 फॉर OBC। नेक्स्ट में क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 50 ईयर्स है। एज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 31 मई 2023। सैलरी है लैब असिस्टेंट के लिए 14,000 पर मंथ। अकोमोडेशन और मेस स्कूल प्रोवाइड करेगी। यहाँ मेंशन किया गया स्कूल विल प्रोवाइड अकोमोडेशन एंड फूड इन द कैडेट्स मेस एज एप्लीकेबल। नेक्स्ट पोस्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए, ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। नेक्स्ट में एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। एज है आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। सैलरी है 30,000 पर मंथ। नेक्स्ट है अकोमोडेशन एंड मेस स्कूल प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट पोस्ट है बैंड मास्टर के लिए, ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। यहाँ एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 50 ईयर्स। सैलरी 20,000 पर मंथ है। नेक्स्ट है अकोमोडेशन एंड मेसिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय स्कूल। नेक्स्ट है बॉक्सिंग कोच के लिए, वन पोस्ट है ऑन हायर्ड बेसिस, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। यहाँ एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। सैलरी है 15,000 पर मंथ। नेक्स्ट है क्लास, यहाँ मेंशन किया गया 2 डेज इन अ वीक फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स इन अ डे। नोट में वैकेंसी इज ओपन फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। नेक्स्ट पोस्ट है मेस मैनेजर के लिए जिसकी वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करवाई जा रही है 12 जून को। ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। नेक्स्ट में एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 50 ईयर्स। सैलरी 25,000 पर मंथ है।
अकोमोडेशन स्कूल विल प्रोवाइड अकोमोडेशन इन द स्कूल प्रीमाइसेस। नेक्स्ट पोस्ट है हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के लिए, ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। नेक्स्ट है एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 50 ईयर्स, सैलरी 35,000 पर मंथ है और एकोमोडेशन एंड मेसिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय स्कूल। नेक्स्ट पोस्ट है यूडीसी के लिए, ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। नेक्स्ट में एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 50 ईयर्स, सैलरी 25,000 पर मंथ है। अकोमोडेशन में मेंशन किया गया है स्कूल विल प्रोवाइड अकोमोडेशन। नाइन्थ पोस्ट है एलडीसी के लिए, ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। नेक्स्ट है एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट 18 ईयर्स है, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स, मैक्सिमम 50 ईयर्स, सैलरी 21,000 पर मंथ, अकोमोडेशन स्कूल विल प्रोवाइड। इंस्ट्रक्शन फॉर वॉक इन इंटरव्यू, डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू फॉर सीरियल नंबर 1 9th जून को कंडक्ट करवाई जा रही है, सीरियल नंबर 2-5 के लिए वॉक इन इंटरव्यू 10th जून को कंडक्ट करवाई जा रही है और सीरियल नंबर 6-9 के लिए वॉक इन इंटरव्यू 12th जून को कंडक्ट करवाई जा रही है। रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग 9:00 है। वेन्यू यहाँ मेंशन किया गया है सैनिक स्कूल गोलपारा, राजपारा डिस्ट्रिक्ट गोलपारा, आसाम। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर टीजीटी इंग्लिश आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, रिटन टेस्ट, डेमो एंड इंटरव्यू कंडक्ट करवाई जाएगी। 3 फेज में एग्जाम होगा, फर्स्ट है रिटन टेस्ट, देन डेमो, लास्ट वन इंटरव्यू। सेकेंड वन है सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर लैब असिस्टेंट के लिए, इसके लिए भी 3 फेज में एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। नेक्स्ट पोस्ट है मेस मैनेजर के लिए, 3 फेज है एग्जाम का, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। नेक्स्ट पोस्ट है बैंड मास्टर, बॉक्सिंग कोच एंड हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के लिए, जिसके लिए एग्जाम 2 फेज में कंडक्ट करवाई जा रही है, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। लास्ट वन है एलडीसी एंड यूडीसी के लिए, इसके लिए एग्जाम 2 फेज में कंडक्ट करवाई जा रही है, फर्स्ट वन है रिटन टेस्ट, नेक्स्ट वन स्किल टेस्ट। नेक्स्ट यहाँ मेंशन किया गया कैंडिडेट शुड कैरी अ रिज्यूमे एज पर स्कूल फॉर्मेट एक्सेप्ट बॉक्सिंग कोच एंड हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर अलॉन्ग विद अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, फुल एड्रेस विद कॉन्टैक्ट नंबर, ऑल ओरिजिनल फोटोकॉपीज ऑफ मार्कशीट, आधार कार्ड एंड अदर टेस्टिमोनियल्स। नेक्स्ट है द कैंडिडेट फॉर बॉक्सिंग कोच एंड हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर शुड कैरी अ रेज्यूमे अलॉन्ग विद अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, फुल एड्रेस विद कॉन्टैक्ट नंबर, ऑल ओरिजिनल फोटोकॉपीज ऑफ मार्कशीट, आधार कार्ड एंड अदर टेस्टिमोनियल्स। यहाँ मेंशन किया गया कि जो भी कैंडिडेट्स वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हैं वो अपने साथ रेज्यूमे कैरी करें। रेज्यूमे जो वो स्कूल के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, वो फॉर्मेट जो है इस PDF के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो रेज्यूमे एप्लीकेशन फॉर्मेट कैरी करनी है, देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, फुल एड्रेस विद कॉन्टैक्ट नंबर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटो कॉपीज ऑफ मार्कशीट, आधार कार्ड एंड अदर टेस्टिमोनियल्स। तो जितने भी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स वगैरह है वो अपने साथ कैरी करनी है इंटरव्यू वाले दिन, ठीक है। TADA प्रोवाइड नहीं की जाएगी इंटरव्यू के लिए। लास्ट वन है स्कूल रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल द वैकेंसी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। नेक्स्ट है ये एप्लीकेशन फॉर्मेट, तो इसी एप्लीकेशन फॉर्मेट का प्रिंट आउट लेना है। यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है करेक्टली फिल करके अटैचमेंट के साथ अपने साथ कैरी करना है वॉक इन इंटरव्यू वाले दिन। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लें।